वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 और ये जा चुके हैं ऑफिस। ऑल्सो देव अभी सो के नहीं उठा है, बस थोड़ी देर में उसको उठाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ काम है अपने इंटर्नशिप से रिलेटेड। सो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, एक मिनट यहाँ पे लाइट्स थोड़ी ठीक नहीं है, मैं लाइट आप जला के लोग आती कुछ हूँ। इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं इसीलिए मैंने ये व्लॉग आज बना रही हूँ जिसमें कि जो भी अब तक आप लोगों के कमेंट्स और डाउट्स आ रहे थे वो मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर कर सकूँ। सो बहुत अच्छा रूटीन तो मेरा आज का नहीं रहने वाला है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रूटीन नहीं दिखाऊंगी, बट हाँ जो डाउट्स कमेंट सेक्शन में आ रहे थे वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो इंटर्नशिप देखो, मैं एचआर में इंटर्नशिप कर रही हूँ। एचआर क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, आपको पता है। ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं, तो उसी में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, मतलब मैं वो काम सीख रही हूँ। अब मुझे वो काम सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो मैं इसीलिए सीख रही हूँ, ये इंटर्नशिप मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ। तो साइकोलॉजी में मास्टर्स तो कर रही हूँ मगर इग्नू से कर रही हूँ, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है। तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिल नहीं रही, मैं इस कॉलेज जा नहीं रही और कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ लोगों से, सिर्फ बुक्स पढ़े जा रही हूँ। तो उन बुक्स में जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं कनेक्ट करूँ कैसे? सो हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, इंटर्नशिप्स करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, हमारे अंदर जो जो कमियां हैं उनको ठीक कैसे करना है, ताकि हम दूसरों को काउंसिल कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, और लोगों को किस तरीके से परसीव करना है, ये सब चीज़ें मैं बेसिकली सीखना चाहती हूँ। और उसको उसको सीखने का मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट करी हैं। और मैं इंटर्नशिप्स सिर्फ ये एचआर वाली इंटर्नशिप करके ख़त्म नहीं करूँगी, मैं और भी इंटर्नशिप्स करूँगी रिलेटेड उस उन चीज़ों से जो कि मुझे मेरे इस फील्ड में, साइकोलॉजी में, काउंसलिंग फील्ड में हेल्प करती चलेंगी। तो जब तक मेरा ये चलेगा मास्टर्स चलेगा, साइकोलॉजी चलेगी, तब तक मैं ये करती रहूंगी ताकि मैं अपने काम को डेवलप कर सकूं। ठीक है, तो बेसिक ये हो गया। अब जो मेरा काम रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। काम मेरा ये रहता है कि सुबह जैसे कि मैं उठती हूँ तो मैं कॉल्स वगैरह लगाती हूँ, और जो भी मेरे पास रिज्यूमेज आते हैं कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के, उनको मैं कॉल करती हूँ और इंटर्नशिप से रिलेटेड, जैसे कि क्योंकि उन्होंने खुद ही फॉर्म डाला है इंटर्नशिप में, क्योंकि मैंने पोस्ट किया है जैसे लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है इंटर्नशिप के लिए, तो वहां पर मुझे रिज्यूमेज मिलेंगे। उसके बाद में मैं उनके रिज्यूमे से गो थ्रू होती हूँ, फिर उन्हें कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि वो ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं इस तरीके से एंड ऑल, और जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करती हूँ। देन फिर अगर वो एग्री करते हैं इंटर्नशिप में एंट्री लेने के लिए, तो फिर उनके इंटरव्यू मैं कंडक्ट करती हूँ। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद में उन लोगों का सिलेक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद में उनको ऑन बोर्डिंग मिलती है कंपनी में, कंपनी में आते हैं वो ऑन बोर्डिंग भी मैं करती हूँ, और फिर धीरे धीरे उन्हें काम सिखाया जाता है। तो मेरे अंडर में जो भी इंटर्न्स रहेंगे उनको मैं काम सिखाऊंगी, जो को फाउंडर्स हैं कंपनी के वो भी सिखाएंगे और मैं भी सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे अंडर जो है वो मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। और मेरा ये ड्यूटी भी यही है एज एच आर कि मैं उनको, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाऊँ, उनके सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ, उनको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और उनको मोटिवेट कर सकूँ और वो ठीक से काम कर सकें, क्योंकि वो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो फिर उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए, मैं अपने स्किल्स से उनकी हेल्प कर सकूं और उनके स्किल्स एक हमारी अच्छी टीम जनरेट करने में हेल्प कर सके, इस तरीके से ये सब काम होता है। 3 मंथ्स की मेरी इंटर्नशिप है और लगातार 3 मंथ्स तक मुझे ये काम करना है कि मुझे इंटर्न्स को हायर करते रहना है अपने अंडर में, और फिर उसके बाद में उनसे काम भी कराना है और देखना है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से। तो पूरा एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, हालांकि पहले मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, लेकिन पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है अच्छा खासा सुबह में, क्योंकि जैसे कि कॉलिंग वगैरह हो गई, उसके बाद शाम में इंटरव्यू कंडक्ट करना, देन एंड ऑफ द डे मीटिंग डेली होती है वो मैं करती हूँ, तो इस तरीके से तो काम है अच्छा खासा। मान लीजिए आप एक दिन में, किसी किसी दिन ज्यादा कैंडिडेट हुए तो फिर 3-4 घंटा तो जाता है मेरा इस इंटर्नशिप में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप की बात हो गई, और अभी मैंने कॉल्स वगैरह कर लिए हैं, और एक शाम में, आज ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है तो एक ही इंटरव्यू है
वो मैं कंडक्ट कराने वाली हूँ, और उसके अलावा एंड ऑफ द डे मीटिंग होगी। और मेरे पास एक इंटर्न है ऑलरेडी, उसका भी काम मुझे चेक करना है कि वो ठीक से कर रहे हैं, उनको समझ में आया है काम या नहीं आया है। तो बेसिक ये हमारा काम है मेरा इस इंटर्नशिप में, और इसमें बेस पे कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे इंसेंटिव्स मिलेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब मेरी जब ये इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तब मुझे इंसेंटिव्स मिलेंगे, और उसके बाद में जैसे कि 3 मंथ्स की एचआर इंटर्नशिप है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं आगे एचआर एज एचआर अप्लाई भी कर सकती हूँ कंपनीज में एचआर की पोस्ट के लिए। इस इंटर्नशिप को अच्छे से अगर मैंने कंप्लीट किया और कॉन्फिडेंस में गेन कर पाई कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, तो मैं आराम से किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसके अलावा हाँ, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिल जाएगा, मुझे इंसेंटिव्स भी मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ी कोई सैलरी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन हाँ, अब मेरे पास जैसे कि आप लोग मेल डालते हो कि हमें जॉब चाहिए, ये चाहिए, वर्क फ्रॉम होम, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, जितने भी लोग इस तरीके से आप लोग अप्रोच कर रहे हैं किसी को, ऐसा मत करिए। लिटरली मेरी बात मानिए, ऐसा मत करिए। अपने अंदर स्किल्स डेवलप करिए, काम को सीखिए, इंटर्नशिप्स आप लोग भी करिए अगर वाकई में आप काम करना चाहते हो तो। लेकिन किसी को सिर्फ टेस्ट करने के लिए, चखने के लिए कि क्या काम है जरा देखें जाकर, हम भी करते हैं 2-3 दिन करके देखेंगे, ऐसा मत करिए, ये आपके किसी काम भी नहीं आएगा। जब तक आपको किसी चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, उसमें बिना बात मत घुसिए। नॉलेज पहले गेन करिए, और ये अपने आप से पूछिए कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद को एज ए चैलेंज उस काम में डालना चाहते हैं तो आप उस काम में डाल सकते हैं कि मैं खुद को चैलेंज देती हूँ कि मुझे ये काम सीखना है या करना है। या फिर अगर आपको फाइनेंशियली जरूरत है, आपको थोड़ा कुछ स्टेबिलिटी की या फिर थोड़ा एडिशन की, तो वो सब चीजें हैं। लेकिन ऐसे किसी के साथ सामने जाके आप लोगों से, मतलब क्योंकि मैंने इतनी कंपनीज अभी हाल फिलहाल में देख ली हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हो जाओगे, इसलिए ढंग से समझ के चलो। एज ए फ्रेंड मैं बता रही हूँ, गलती मत करो, अपने आप को जानो, पहचानो, यूं ही मत भड़बड़ाओ कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दे दो, कोई मुझे नौकरी दे दो, ये सब मत करो जाकर, ठीक है। बहुत सारी इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, पहले खुद को काबिल बनाओ, देन हक से जाओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मांगना नहीं है कि मुझे चाहिए दे दो, कुछ भी कर लूंगी, कुछ भी काम है मुझे बता दो, ये ऐसा नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग। और अभी मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, देव को जा करके उठाती हूँ, पहले उसको नाश्ता कराऊंगी, और मैं थोड़ा ये पढ़ रही थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास क्लासेस के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे, तो मुझसे पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, आज शाम को आएंगे, मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। और यहाँ देख ही रहे हैं आप, बारिश का आलम स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा काम 4 टाइम्स हो गया है क्योंकि कपड़ों का जो भसड़ है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब मैंने फैन में सुखाना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि इससे ज्यादा हम अगर रख देंगे कपड़ों को तो फंगस लग जाएगी, इसीलिए धो के फैन में ही सुखा रही हूँ। मशीन में ही धुलते हैं तो वो हाफ ड्राई हो जाते हैं, बट स्टिल फिर भी उन्हें 2-3 दिन लग जाते हैं पूरी तरह से सूखने में। ये सब चल रहा है, और अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मुझे काम करना है, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं खुद को सीखने में डाल रही हूँ। और साथ साथ में अब मैं थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहती हूँ खुद को, तो इसीलिए दोनों चीजें मेरे साथ चल रही हैं कि एक तो ये कि मैं काम सीख रही हूँ और फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट कर रही हूँ, और दूसरा कि मैं आगे भी बढ़ रही हूँ साथ ही साथ, जैसे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना वगैरह, उस सब में जो मेरी स्किल्स हैं वो शार्प हो रही हैं, और इस इंटर्नशिप के थ्रू मेरी स्किल्स बहुत शार्प हो रही हैं धीरे धीरे करके, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं सच बता रही हूँ, आप लोगों को कोई बोले कि फ्री में इतना काम कर दो तो मुश्किल से आप लोगों में से कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन मैं इतना काम कर रही हूँ क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या गेन करना चाहती हूँ यहाँ से। इसीलिए तो इसीलिए पहले अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, अदरवाइज आपका मन कहीं भी नहीं लगेगा। जैसे कि आप बोलते हो ना पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में क्या कहीं भी नहीं लगेगा,
क्योंकि आपको पता ही नहीं है जबकि वो काम आप कर क्यों रहे हैं तो मन क्यों लगेगा। मन कोई पागल थोड़ी है कि आप उसको पागल बना दोगे। ओके सो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बहुत लंबी चौड़ी लेक्चर मैंने दे दी है, अब मैं इसको यहीं एंड करती हूँ और अपने काम पे लगती हूँ। हेलो शो फ्रेंड्स, देखो ये उठ गए हैं महान इंसान, और अब इनको हम नाश्ता कराएंगे जो कि सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। और देबू ने ब्रश कर लिया, हाथ मुंह धो लिया, रेडी भी हो गया, लेकिन आज मैंने नहलाया नहीं क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। चलो नाश्ता करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये दिन का 12 बज रहा है, तो दिन सुबह का चाहे 5 बज रहा हो, 9 बजे हो, 12 बजे हो, कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं कि कुछ भी पता चले कि क्या टाइम हो रहा है। और लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा थोड़ी सी छोटी छोटी खेती थी वो भी गलना शुरू हो गई फाइनली बहुत जल्दी से, क्योंकि इस बार बारिश स्टार्ट हो गई है, तो सब पेड़ जो छोटे छोटे पौधे हैं वो गलना शुरू हो चुके हैं, और धनिया वनिया गलना शुरू हो गया, और जैसे बैंगन के पेड़ थे वो भी गलने लग गए। पता नहीं क्या होगा, आई थिंक अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना धूप की तो ज़रूरत होती है, बिना धूप के तो प्लांट्स पनप नहीं पाएंगे, और अगर ऑल टाइम पानी पड़ता रहा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। देव के लिए और मेरे लिए बादाम, मेरा ये होता है भूलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ मैं। इनको तो दे दिए थे मगर मैंने नहीं खाए, तो देव के लिए ले जा रही हूँ, मैं भी खाऊंगी। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने एक नई चीज़ मंगाई है, इसमें हम लोग फ्रूट्स की स्मूदी बनाएंगे। आज तो खैर मेरे पास फ्रूट्स नहीं है क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है ना, फ्रूट्स खाने का मन नहीं हो रहा था तो कुछ रखे नहीं है, बट आज लेकर मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल। वैसे बिल्कुल भी मन कुछ खास कर नहीं रहा है, कुछ अलग सा खाने की क्रेविंग होती रहती है ना जब बारिश में होती है तो, लेकिन अभी दाल चावल ही बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की वीकडेज में ऑप्शन नहीं होते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मंडे टू फ्राइडे तो नॉर्मल खाना बने, सैटरडे संडे में कुछ एक्स्ट्रा बनाना हो अच्छा तो वो मैं ट्राई। और बारिश और ज़्यादा तेज हो गई है बाहर, ये देखो इस तरीके से मैंने ये रजिस्टर मेंटेन कर लिया है, जो भी बच्चे आ रहे हैं अभी मैंने सबका डिटेल्स नहीं लिखे हैं, तो मैं वही काम करने जा रही थी। जो भी है वीकनेस स्ट्रेंथ जितनी मुझे अभी तक लगी है, जिन पे मुझे काम करना है वो सब मैं अभी लिखने के लिए जा रही थी। और हाँ बस यही करने जा रही थी क्योंकि आने ही वाले होंगे अब बच्चे भी, 3 सवा 3 3:30। देखो अभी स्कूल खुल गए हैं तो मे बी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, अभी तक तो 3 आ ही रहे थे 3 बजे, लेकिन अब शायद थोड़ा सा 3:15 3:30 तक आएंगे, क्योंकि स्कूल भी 2 बजे ही छुट्टी होती है, तो उस हिसाब से आई कैन अंडरस्टैंड। तो अभी मैं अपना काम करती हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग टाइम देख सकते हैं 5:45। मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं व्लॉग बना रही थी, क्योंकि शाम में मेरा ना एकदम काम ऐसे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ट्यूशन वाले बच्चे आए उनको पढ़ा दिया, मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं थोड़ा सा उनकी क्लिपिंग ले लूँ, भूल गई। 3 बच्चे हैं फिलहाल और उनको पढ़ा दिया, अभी अभी फ्री हुई हूँ क्योंकि एक आज नया ऐड हुआ है, तो अभी तक 2 थे अब तीसरा भी हुआ है, तो उसका थोड़ा सा बेसिक मैं देख रही थी कि क्या क्या है, तो मैं नोट करती हूँ ना अपने, मैंने ये जो बनाया हुआ है रजिस्टर इसमें नोट कर रही थी उसका जो भी है, तो वो सब मैंने नोट किया। और अब देखो 5:45 हो गया, अब मेरी ना मीटिंग स्टार्ट होने वाली है फटाफट, तो मैं आप लोगों को मीटिंग वगैरह सब फिनिश करने के बाद में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने मीटिंग्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं, टाइम हो गया है 6:30 और दोनों मीटिंग हो चुकी हैं कंप्लीट। बेसिकली 2 मीटिंग मुझे लेनी रहती है, मैं एचआर हूँ तो एक एचआर मीटिंग मैं कंडक्ट करती हूँ, और उसके अलावा एंड ऑफ द डे मीटिंग विद द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। और मैं आप लोगों को और क्या बता सकती हूँ आज मैं, हाँ तो हम बेसिकली मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, 6:30 हुआ, हालांकि थोड़ा सा बस 5 मिनट के लिए मैं रिलैक्स करके बैठूंगी, थोड़ा सा चाय वाय बनाती हूँ, चाय पीऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी जा करके, और आज हाँ खाना वाना खा करके फिर मैं थोड़ा सा अपनी स्टडीज करूंगी, और कल से क्योंकि जल्दी उठना है क्योंकि देव का स्कूल स्टार्ट हो चुका है और कल देव स्कूल जाएगा, हालांकि मैं सब बोल रही हूँ तो वो बहुत गुस्सा कर रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा।
वो है। और इसके अलावा मैं चाह रही हूँ कि सुबह भी मैं एटलीस्ट 1 आवर निकाल सकूँ पढ़ाई के लिए अपनी। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जैसे कि बच्चों को जो पढ़ा रही हूँ तो उसमें भी मेरी पढ़ाई हो रही है। वो कैसे कि जैसे कि मेरे पास जो ये देखो ये है ना बुक, हिस्ट्री की बुक है, तो मेरे पास 6 के बच्चे हैं, 8 के बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाना है, वही मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं ना बेसिक। जैसे मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो वो मुझे सी सेट एप्टीट्यूड वगैरह में काम आएगा। देन सोशल साइंस साइंस वगैरह पढ़ा रही हूँ तो वो भी मुझे उसमें काम आएगा, एग्जाम में काम आएगा, है ना। तो मैं अगर मतलब खुद नहीं भी पढ़ू खुद से बैठ के, तो लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तब तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, तो मेरा रिविजन हो ही जाता है। तो ये ना एक तरीके से मेरा रिविजन भी हो रहा है इसमें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो जो सामने वाले के पर्सपेक्टिव जो बच्चा है मतलब उसको तो आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते ना कि आप जो बोल रहे हो समझ रहा है कि नहीं। तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, वो जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं, तो उससे मैं और सोचती हूँ उस टॉपिक के बारे में, और मैं भी उस चीज़ को और अच्छे से समझ पाती हूँ। तो ओवरऑल इसीलिए मैंने सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड रखी हैं ताकि मैं कहीं से भी भागू ना, सब जगह से मैं पकड़ में आ जाऊं। तो वही मेरे साथ हो रहा है, मेरे जितने भी काम है वो मुझे कहीं भागने नहीं दे रहे, मुझे सब जगह से पकड़ ले रहे हैं कि अब तू जाएगी कहाँ, तुझे अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा इस तरीके से। तो सारे काम मेरे वैसे ही हैं। अब मैं जाके थोड़ा सा चाय बनाती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि 3 बजे से जब बच्चे आते हैं वो बोलना शुरू करती हूँ, उसके बाद मैं पूरे टाइम 6:30 बजे तक जब तक ये मीटिंग होती है मैं लगातार बोलती हूँ बोलती हूँ बोलती हूँ, और क्योंकि ऐसा करने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है तो थक जाती हूँ। धीरे धीरे आदत पड़ी जाएगी और काम तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, बस खाना बनाने के बाद में मैं अपनी स्टडीज़ करूँगी देव को खिला के, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी सो जाएं, अदरवाइज 12-1 ऐसे बच जाता है, क्योंकि देव सोता ही नहीं, खेलता रहता है, इधर उधर घूमता रहेगा, और IPL मैचेस चल रहे हैं तब तो पूछना है, पूछिए ही मत। बट मैं कोशिश करूंगी कि मतलब हस्बैंड अगर देखते हैं तो वो देखे, बट मैं सो जाऊं टाइम से, ताकि मैं वो टाइम अपना सुबह थोड़ा सा अच्छा टाइम यूटिलाइज कर सकूं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है ना, ये जब मौसम बारिश वाला स्टार्ट हो जाता है तो फिर सुबह सुबह जैसी होती ही नहीं है, सुबह कुछ अलग होता ही नहीं है, बस बारिश ही बारिश हो रही है, तो वो थोड़ा एक ग्लूमीनेस बॉडी में आ जाती है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सहारा लूं, मैं सिर्फ 2 टाइम मतलब चाय कॉफी, जैसे कि अगर सुबह में मैंने चाय ले ली, ब्लैक टी पीती हूँ और ब्लैक कॉफी पीती हूँ, तो फिर मैं शाम में मतलब कॉफी पी लूं, या फिर मतलब इससे ज्यादा 2 बार से ज्यादा मैं ना करूँ, क्योंकि स्टिमुलेंट्स के ऊपर एनर्जी तो बहुत मिल जाएगी, स्टिमुलेंट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी को काम के लिए स्टिमुलेंट की आदत पड़े, तो इसीलिए 2 बार से ज्यादा मैं नहीं लेती हूँ। और जितना भी अपने आप को ही पुश करने की कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा कि मैं काम कर सकूँ। और आज तो जैसे कि मैंने व्लॉग भी बनाया, इसीलिए मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब माइंड ऑलरेडी इन्वेस्ट कर देती हूँ इतने सारे कामों में कि मैं फिर व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उसकी एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, उसमें भी टाइम जाता है, तो वो टाइम मेरे पास है नहीं अभी। बट स्टिल बीच बीच में मैं अब तो क्योंकि थोड़ा सा एक कंफर्ट में आ गई हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जैसे ही मैं कंफर्ट में आऊंगी तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा कंफर्ट में आना शुरू हो गई हूँ, इसलिए आज मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है, और इसमें मैंने चिटचैट ही ज्यादा करी है। बट कोशिश करूंगी कि और अच्छे से मैं व्लॉग बना पाऊँ। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि बेसिक मैं क्या करने वाली हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी, थोड़ा सा कुछ पढ़ूंगी अच्छा सा, और फिर खाना वाना बनाऊंगी, देव को खिलाऊंगी, अपना भी खाऊंगी, फिर अपनी स्टडीज करूंगी, और उसके बाद में फिर सो जाऊंगी। और कल के लिए क्योंकि रूटीन ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि देव को भी स्कूल जाना है, और मैंने सोचा है कि कल से मॉर्निंग में उठ के मैं पढ़ूंगी भी अपने लिए भी, तो इसीलिए वो सब चीजें मुझे थोड़ा सा और रूटीन में अपने लेकर के आनी है, तो कल से उस पर मुझे काम करना है। बाकी मेरा इवनिंग का तो बहुत अच्छा रूटीन हो गया है, बस मुझे मॉर्निंग का थोड़ा सा और सुधारना है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहीं पर मैं इसी नोट पर अपना इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, आप लोगों से जल्दी मिलूंगी। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और चिट चैट ब्लॉग ही था, ऐसा सच तो कुछ नहीं था, बट स्टिल प्लीज लाइक कर देना, और बस यार यही बोलूंगी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय।